अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गयूर अब्बास एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एप्लीकेशन ऑफ गाज़ी ज़िला। लास्ट टाइम हमने गाज़ी ज़िला पढ़ा था, उसका हमने फॉर्मेशन भी की, उसका हमने रिजल्ट भी निकाला, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम आया था। मतलब हमारे पास जो टोटल चार्ज इन क्यूज होता है किसी भी सर्फेस में, तो वो वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है उसका। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन हैं कि हमारे पास रियल लाइफ के अंदर हम इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली लाइफ में हमारे पास इसके क्या क्या यूजेज हैं, कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होती है, क्या उसमें एम्पावर होती है कि हमारे पास एक चार्ज स्फीयर समझा दिया था, कि हमारे पास हॉलो चार्ज स्फीयर समझा दिया है कि अंदर से वो खाली है। अंदर से खाली से मुराद ये है कि एक हॉलो चार्ज स्फीयर हम ले रहे हैं वो अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है, अंदर से वो चार्ज लेस है, लेकिन उसके क्या है, बाहर जो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज वो कैरी कर रहा है। सबसे पहले हम रिसेंट जो गाजियन सरफेस ड्रा की थी, तब मैंने आपको डिफरेंट स्टेप्स बताए थे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स कैरी करते हैं, तब हम जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप ये था कि हम उस ऑब्जेक्ट की या उस शेप की जो भी आर्बिट्रेरी हमारे पास शेप आएगी उसकी हम गाजियन सरफेस ड्रा करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये हॉलो चार्ज स्फीयर है जो कि अंदर से खोखला था, तो हमने क्या किया कि इसके जो मतलब जो सेंट्रल पॉइंट था उसके अराउंड मैंने क्या किया, गाजियन सरफेस ड्रा कर ली। आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे हमने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि हमने गाजियन सरफेस जो ड्रा करनी है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले पॉइंट से पास आउट होके गुजरेगी। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रेडियाई है, रेडियस है पूरे स्फीयर का, उसके सेंटर से किसी भी एक सर्कमफेरेंस तक, किसी भी सर्कमफेरेंस की साइड तक हम लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल उस स्फीयर का रेडियस हो गया। उसके बाद अगर हम गाजियन सरफेस का देखेंगे, रेडियस हमारे पास क्या है, वो यहाँ से लेके इस सरफेस तक होगा, तो ये हमारे पास आर प्राइम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या कंसिडर करते हैं, या हमें क्या कंसिक्वेंस मिलता है कि हमारे पास जो गाजियन सरफेस का रेडियाई होगा वो किससे समालर होगा, टोटल रेडियाई ऑफ द सरफेस से। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है कि हम जो चार्ज इनक्लोज कर रहे हैं कोई भी स्फीयर, मतलब क्या है, बात करने का कि एक स्फीयर हमारे पास है तो उसके अंदर, उसके इनसाइड कितना चार्ज इनक्लोज है, इनक्लोज से मुराद उसके अंदर कितना चार्ज पाया जा रहा है, उसकी माहियत कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, किसी भी स्फीयर किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के अंदर, ये क्लोज सरफेस के अंदर। तो हम यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारे पास है ये, तो हमारे पास चार्ज इनक्लोज कितना है, जीरो है। अभी मैंने आपको बता दिया कि इसकी सरफेस पे आउटरली सरफेस पे चार्ज है, इसके इनरली वो हालो है, हालो से मुराद खाली है, ये कोई सरफेस मतलब इसके इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होता है थ्रू डैट सरफेस, जो हमने सरफेस कंसिडर की है उसके अंदर, उसके थ्रू हमारे पास फ्लक्स कितना होगा। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो फार्मूलेशन होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू ए होता है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ए का। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फाइनल स्टेप है, जो हमने करना है और जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने फाइंड करनी है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या करते हैं, गाजी ज़िला यूज़ करते हैं। तो गाजी ज़िला का फॉर्मेशन हमने लास्ट टाइम, अभी भी मैंने आपको बताया कि वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्ज के बराबर होता है। तो हमारे पास ये उसका फार्मूला आ गया क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इक्वेशन हमारे पास बी आ गई, ये इक्वेशन ए है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मेशन है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मेशन हमारे पास सेकंड बी इक्वेशन बी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम इक्वेशन ए लिख लेते हैं और राइट हैंड साइड पे हम इक्वेशन बी लिख लेते हैं। अब हम हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो चार्ज है वो तो हमने देखा है कि चार्ज इनक्लोज जो कर रहा है हॉलो स्फीयर वो तो जीरो है, इसकी जगह हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जीरो ओवर समथिंग जीरो, तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड जो होगी वो जीरो हो जाएगी। अब हमें देखते हैं कि हमारे पास किसी भी जगह का जो एरिया होता है, किसी भी स्पेस का, किसी भी रीजन का एरिया, वो कभी ज़ीरो नहीं होता, वहाँ पे चार्ज है नहीं है एरिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे जो एरिया होगा वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं नहीं हो रही, एरिया एरिया ही रहेगा, तो एरिया कैन नॉट बी ज़ीरो। सो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से क्या नतीजा निकला, हमारे पास जो कंसिक्वेंस आया वो ये आया कि हमारे पास कोई भी, अगर हम
हालो चार्ज स्फीयर फाइंड करेंगे। हालो से मतलब खाली, चार्ज से मतलब जो आउटरली एक्सटर्नली आप कह सकते हैं कि वो चार्ज हो नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली, लेकिन वो हालो हो मतलब अंदर से खाली हो, अंदर से चार्जलेस हो, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इनरली तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर होगी। तो ये हम यही जो रूल है, यही जो लॉ है, यही जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है, हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हमारे पास जो भी हालो चार्ज स्फीयर होगा, स्फेरिकल शेप होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम शील्डेड कर देते हैं, मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई इंटरफेरेंस वगैरह जो भी मतलब इंटरफेरेंस वगैरह होती है, जो भी उसके साथ उसका लिंक होता है या तल्लुक होता है, वो ख़त्म हो चुका होता है। सिंपल वर्ड में आपको जो डेली लाइफ में आप लोग चीज़ें यूज़ करते हो उनके बारे में बताता हूँ। आप लोग टीवी यूज़ करते हो, टेलीविज़न, तो टेलीविज़न अंदर से खोखला होता है, आप लोग पीछे से उसकी बॉडी देखते हो तो वो खाली होता है, तो वो इसलिए होता है ताकि हमारे पास और डिफरेंट जो हम इलेक्ट्रिकल मशीन या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घरों में यूज़ कर रहे होते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे टेलीविज़न की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरफेयर ना करे, एक दूसरे से ताल्लुक ना बनाए कि हमारे पास वो दोनों ख़राब हो जाएं या हमारे पास मतलब उसमें ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाए। इसके अलावा जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, आपने पीसी को कभी गौर से देखा हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अंदर से खाली होता है, खोखला होता है, तो वो भी इसलिए होता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर हम रखते हैं तो अंदर से खाली या खोखला होने से मुराद ये हो गया उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्डेड कर दिया, बाहर की जो भी होम अप्लायंसेज होगी वो उसको इंटरफेयर नहीं कर सकेंगे, उसको कुछ भी ख़राब वगैरह नहीं कर सकेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ कि खुदा न खास्ता कार में, किसी भी व्हीकल में, किसी भी ऑटोमोबाइल में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कार है कुछ भी, अब अंदर से खाली होती है, बाकी जो भी मतलब खोखला सा आपके पास होता है, तो ये क्या होता है कि ये हालो चार्ज स्फीयर की हमारे पास क्या होती है, बेस्ट एग्जांपल है। इस वक्त हम हालो चार्ज स्फीयर के अंदर हैं, बिजली चमकती है, ये कुछ भी होता है ड्यू टू अट्रैक्शन, हमारे पास वो गिरती ज़रूर है लेकिन हम अंदर महफूज रहते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट मैंने आपको एप्लीकेशन भी बता दी हैं कि हम इसको रियल लाइफ में कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी पहली एप्लीकेशन थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी अपने वर्ड्स में, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अभी छुट्टियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने घर बैठ के तो बस टाइम वेस्ट ही करना है, आप लोग इसको पढ़ो बहुत ही अच्छे से और इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा आपको। होमवर्क यही आपका डेली बेस पे जो भी लेक्चर होगा वो आप लोगों ने रजिस्टर पे जो मैंने आपको बनवाए हैं उस पे आप लोगों ने लाजमी राइट करने हैं, और मैंने आपका आते ही जब आप लोग आओगे तो आउटपुट के लिए मैं कुछ भी लिखवा सकता हूँ, मैं आपसे कुछ भी टेस्ट